गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रीपर्णा और आप देख रहे हैं द इंटीरियर बाड़ी शोभा। आज मैं आपसे शेयर करूंगी तीन तरीके का गैलरी वॉल। आप सोचेंगे वही घिसा पिटा गैलरी वॉल एक जैसा, क्योंकि हम सब अपने घर में गैलरी वॉल तो क्रिएट करते ही हैं, वो फैमिली फोटो के साथ, अपने फोटो के साथ तो गैलरी वॉल बनाते ही हैं। तो इसीलिए आज मैं आपसे ना ही अपने फोटो के साथ ना ही फैमिली फोटो के साथ गैलरी वॉल बनाना दिखाऊंगी। मैं दिखाऊंगी जो इन सब के बिना भी आप कैसे अपने घर में गैलरी वॉल क्रिएट कर सकते हैं और किस चीज़ से गैलरी वॉल बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, सारा डिटेल्स में आपको मैं दिखाऊंगी। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा वॉल में मैं क्रिएट करूंगी मेरा पेंटिंग गैलरी वॉल। चलिए शुरू करते हैं। इस वॉल को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पेंटिंग यूज कर रही हूँ। यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं, जो हमारे पास तो पेंटिंग है नहीं और हमें पेंटिंग आता नहीं है, तो कैसे हम पेंटिंग से वॉल को डेकोरेट करें। यहाँ पे मैं एक छोटा सा टिप्स आपको देती हूँ। जो हैंडीक्राफ्ट फेयर होता है वहाँ से भी आप पेंटिंग खरीद सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सस्ते में आपको पेंटिंग मिल जाएगा। और नहीं तो आप को जो भी पेंटिंग पसंद आता है या जो भी इमेज आपको अच्छा लगता है उसका आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए और फोटो पेपर में प्रिंट निकाल लीजिए और फ्रेम कर दीजिए। आप इससे भी अपने वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसे स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल लैम्प यूज़ करूँगी और उसके साथ एक प्लांट। बस हो गया मेरा पेंटिंग गैलरी वॉल। मेरा ये बोरिंग सा वॉल को कितने अच्छे से एक कलर और कैरेक्टर मिल गया। मेरा लिविंग रूम का ये वाला पार्ट, मतलब मेरे सोफे का जो कॉर्नर वाला पार्ट है, यहाँ ये वाला एकदम ब्लैंक है और एकदम बोरिंग भी लग रहा है देखने में। आज मैं यहाँ पे एक कलरफुल गैलरी वॉल क्रिएट करूँगी। इसके लिए सबसे पहले मुझे कुछ DIY करना है। मैं यहाँ पे डिफरेंट साइज का राउंड शेप का कार्डबोर्ड लिया है इस DIY के लिए। सबसे पहले मैं कार्डबोर्ड के ऊपर ग्लू लगा लूँगी, उसके बाद मैक्रोमे थ्रेड को राउंड करके मैं इसके ऊपर बैठा दूँगी। मैं यहाँ पे 3mm साइज का मैक्रोमे यूज तरीके से मैं सारा कार्डबोर्ड को कवर कर लूँगी मैक्रोमे थ्रेड से। हर कार्डबोर्ड को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं पेंट कर लूँगी। मैक्रोमे प्लेट को मैं 1x1 वॉल पे लगा दूंगी। आप सोचेंगे जो मैक्रोमे से क्या गैलरी वॉल बन सकता है? जी हाँ, क्योंकि गैलरी वॉल का मतलब है गैलरी वॉल का मतलब है आपके पास जो भी आइटम्स हैं उसको आप अरेंज कीजिए और एक दूसरे के पास लाके वॉल को डेकोरेट कीजिए। ऊपर मैं एक हैंगिंग लाइट यूज करूंगी और नीचे रखूंगी एक प्लांट। हो गया मेरा ये वाला कॉर्नर डेकोरेट। कैसा लगा? Thank you.
मेरे नेक्स्ट गैलरी वॉल के लिए मैं सबसे पहले मास्किंग टेप से वॉल में मार्क कर लूँगी। इससे बहुत इजी होगा गैलरी वॉल क्रिएट करने में। यहाँ पे मैं मिक्स मीडिया गैलरी वॉल क्रिएट कर रही हूँ। मेरे पास जो भी होम डेकोर आइटम्स हैं जो मैं वॉल में हैंग कर सकती हूँ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। आप भी आपके घर का कोई भी एक वॉल इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। ये वाला गैलरी वॉल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा पुराना DIY, और मैं जब ट्रैवल की थी वहाँ से मैंने जो सामान खरीदा था वो भी यहाँ पे मैं हैंग कर रही हूँ। गाइज आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे नेक्स्ट गैलरी वॉल के लिए मैं सबसे पहले मास्किंग टेप से वॉल में मार्क कर लूंगी। कहीं पर भी आप बहुत इजी होगा गैलरी वॉल क्रिएट करने में। आज तो मैं यहाँ पे मैं मिक्स मीडिया गैलरी वॉल क्रिएट कर रही हूँ। मेरे पास जो भी होम डेकोर आइटम्स है जो मैं वॉल में हैंग कर सकती हूँ मैं यहाँ पे यूज करूंगी। कमेंट में बताइएगा तो मैं घर का कोई भी एक वॉल इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तब तक के लिए ये वाला गैलरी वॉल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा पुराना DIY, और मैं जब ट्रैवल की थी वहाँ से मैंने जो सामान खरीदा था वो भी यहाँ पे मैं हैंग कर रही हूँ।